क्या पाकिस्तान के खिलाड़ी इफ्तिकार अहमद को अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की प्रीवेडिंग सेरेमनी का इनविटेशन मिला है? ये सोशल मीडिया पर बात पूछी जा रही है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है जो पाकिस्तान के क्रिकेटर का ही है। पाकिस्तान के क्रिकेटर शहनवाज धानी ने एक पोस्ट किया है, वो आपको हम पोस्ट दिखाते हैं। दरअसल उन्होंने इफ्तिकार अहमद की एक फोटो पोस्ट की है जिसमें वो उनके हाथों में एक पर्चा है जिसमें कुछ पढ़ रहे हैं वो, और जिस पर लिखा हुआ है कि जिस तरीके से लास्ट मिनट अंबानी प्री वेडिंग इन्विटेशन फॉर इफ्तिकार भाई, ये एक ट्वीट है शहनवाज धानी का इफ्तिकार अहमद के लिए। बकायदा उन्होंने टैग भी किया उनको, और यही नहीं कि सिर्फ वो यहीं पर रुक गए, इसके अलावा उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर भी एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने लिखा, तो क्या सोचा जाए कि भाई इफ्तिकार भाई को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दरअसल ये जो पोस्ट एक मजाकिया अंदाज में उन्होंने किया था, और हमेशा हमने देखा है कि शहनवाज धानी इसलिए जाने भी जाते हैं लगातार, उस तरीके से खिलाड़ियों के साथ फनी तरीके से वो पेश आते हैं, तो उनका ये ट्वीट जो था वो एक मजाक के लिए ही था, उसको सीरियस ना समझा जाए। क्योंकि अगर आप देखें इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय यही है अनंत अंबानी, और इसके अलावा राधिका मर्चेंट का जो प्री वेडिंग इवेंट था 1 से 3 मार्च के बीच में जामनगर में, वहाँ पर दुनिया भर के क्रिकेटर आए, दुनिया भर के सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर शामिल हुए, और उसी लिए अगर आप देखें तो हर जगह चर्चा उस बात की थी कि भाई वहाँ पर कौन आ रहा है और कौन कौन वहाँ पर हिस्सा ले रहा है, तो उसी को लेकर ये पोस्ट किया गया था। इवन अगर आप देखें तो कारण पोराड तो PSL मुकाबला छोड़कर शामिल होने आ गए थे यहाँ पर, मुंबई इंडियंस से काफ़ी वो करीबी भी रहे हैं, अभी भी मुंबई इंडियंस टीम के साथ वो जुड़े भी हैं, बकायदा उन्होंने PSL का मुकाबला छोड़ा जिसकी वजह से PSL में तो फैंस नाराज भी हो गए। उन्होंने बोला देखिए PSL को तो कोई सीरियस ही नहीं लेता, टूर्नामेंट को छोड़कर लोग चले जा रहे हैं, तो जिसको लेकर भी PSL एक बार फिर से ट्रोल भी हुआ था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इसलिए भी मीम बनाए जा रहे हैं कि भाई जो इनविटेशन मिला था या नहीं मिला था, तो खबर यही थी कि भाई ये एक मजाक के लिए ट्वीट किया गया था, इसमें कोई सीरियसनेस नहीं थी। तो फिलहाल ये जानकारी थी, और उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इसी तरीके से स्पोर्ट्स नाउ को सपोर्ट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।